कैसे हैं आप? और शाम के करीब 5 बज रहे हैं और हम आज अपना व्लॉग जो है वो फिर से शूट कर रहे हैं हर दिन की तरह तो वही शुरू से शुरू करते हैं भाई। नील, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का मतलब दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि बोरिंग चल रहा है। कुछ बोरिंग चल रहा है? ऐसा कैसा बोरिंग? दिमाग ऐसा फील करा रहा है मेरे को, शायद बोरिंग दिन है। बोरिंग दिन है, तुम भी ऐसा ही फॉलो करो। अच्छा, इसलिए कि आज आप फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आ गए? वो तो मतलब है ही, मतलब अच्छा एकदम, मतलब बांध दिया ऑफिस से, रस्सी लेके पूरी बॉडी जकड़ दी हो। हां वही। मेरा भी दिन में ऐसा ही था कि किसी ने जैसे पकड़ के पूरी बॉडी बांध दी है मेरी शुरू के 2 दिनों में। अभी धीरे धीरे शर्ट को ढीला करके, बेल्ट को ढीला करके समहाउ कुछ बात बन रही है। अभी भी मतलब मेरे को एक लगा, एक मतलब एक बंदी की क्वेरी आई, तो मतलब उसने पूछा पहले का मतलब डिमांड क्या है कि पहले मैंने आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिया था इनवॉइस के लिए। अच्छा, तो वो फॉर्मेट आपके पास पड़ा है? मैंने कहा है। तो बोले कि मेरे को भेजा, मेरे को वो करना है। तो फिर ऐसा हो गया कि ये पता चला उसकी मतलब आंखें खुली कि ये मतलब ऑटोमेट था ऑलरेडी और मैंने किया नहीं। सॉरी, तो ब्रेक के लिए सॉरी। तो नील कह रहे थे कि किसी यूजर ने इनसे सामने से पूछा कि भाई आपके पास वो फॉर्मेट है कि नहीं, क्या मतलब क्या एक्चुअली क्या कोई रिक्वायरमेंट देना चाह रहा है वो आपको? रिक्वायरमेंट नहीं थी वो, मतलब ऑलरेडी हो चुका था, मतलब जो अपने ऑटोमेट किया था, जो जो मतलब अभी प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन था बेसिकली। ओके, तो उसका मतलब एक फॉर्मेट था वो टाइम पे, मतलब हो गया था। अच्छा, दूसरे अलग फॉर्मेट के साथ। अच्छा, तो उसने मतलब सामने से मांगा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद SQL पे उसके लॉक्स ले गए। अच्छा, तो मतलब यूज कर भी रही है, ये ये यूज कर रही है ऐसा। अच्छा, मतलब लगा कि भाई उसका दिमाग अभी खुला कैसा था ऑलरेडी, हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब नील ने कोई एप्लीकेशन पहले डेवलप करके छोड़ दी थी जिसमें कुछ एक फॉर्मेट टाइप अपलोड करना था और फाइनल आउटपुट निकलना था, यूजर अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, आज सामने से उनको आया कि मतलब भाई हमको ये फॉर्मेट प्रोवाइड करो, हमको अभी ये यूज करना है। तो बाद में नील ने लॉग देखे तो पता चला कि अभी ये यूजर की बुद्धि खुली और वो यूज कर रही है। देखिए, ऑटोमेशन तो फ्यूचर है और जैसे हमारा आजकल पता चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, एम्प्लॉय बीमार है या कुछ है कुछ है, तो धीरे धीरे लोगों को ये महत्व समझ में आएगा कि कितनी भी बीमारी चले, कितनी भी महामारी चले, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है तो आपका काम तो होगा। यूजर डिपेंडेंट नहीं है, ये सिस्टम डिपेंडेंट है और सिस्टम यूजर से बहुत कम धोखा देते हैं। समझिए कि 100:1 का रेशियो है। कितनी बार मेरे को अपनी ऐप, जो मैंने एप्लीकेशन रन करके छोड़ी हुई हैं जो बैकेंड में काम करती रहती हैं, हार्डली मुझे कभी महीने में एक बार देखना पड़ता है, हार्डली। और यूजर की अगर आप बात करें कि उनको सपोर्ट कितना देना पड़ता है, तो कोई भी नई एप्लीकेशन लाई होती है तो हद से ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है स्टार्टिंग में और बाद में भी फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि सिस्टम डिपेंडेंट होने में कितना फ़ायदा है। तो यही था आपका सारा दिन आज, बॉडी खींची खींची रही और एक यूज़र की तरफ से ही आया। ओके, एक मेरे को तो, मैं तो जैसा मैं पहले से बताता ही आ रहा हूँ कि मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, वो चलती रहेगी इस महीने तक। उसके अलावा कुछ लोग मुझे और ऑटोमेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमको नील का टाइम प्रोवाइड कराओ, तो हमको कुछ और भी डेवलप करना है, बहुत भयंकर रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। तो मैंने भी साफ साफ बोला कि भाई देखो, पहले अपनी पुरानी जो भी हमने एप्लीकेशन या ऑटोमेशन डन करके दिया उनका साइन ऑफ दो कि आप हमारे आपकी तरफ से ये बिल्कुल एप्लीकेशन परफेक्ट चल रही है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नील ने साफ साफ कह दिया कि वो लिपिट लिपिट वाले गुड्डू पंडित नहीं रहे अब वो हक से बोलेंगे। अब वो नील मार्केट में आ चुके हैं। एक्चुअली अगेन थैंक्स टू आवर बॉस, उन्होंने हमको हमारी वैल्यू समझाई कि भाई या तो आपके पास वही 24 घंटे हैं काम करने के लिए, उन 24 घंटों में या तो आप 100 रुपये कमाने के लिए काम कर लो या 1,00,000 रुपये कमाने के लिए काम कर लो। तो हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, थैंक्स टू आवर बॉस, कि अभी हमको प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई आया पहले तो उसका काम कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो नहीं चलेगा। अभी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई वे लोग तो दो ही हैं, करने वाले तो दो ही हैं, चार ही हाथ हैं, दो ही दिमाग है, तो उसमें हम पहले वो वाला काम निपटाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के 1,000 घंटे बचते हैं, या पहले वो वाला काम निपटाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के 10 घंटे बचते हैं। सो बेटर है कि हम वही वाला काम निपटाएं जिसमें टाइम हमारा कम लगता है और सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अब हमारा सोचना भी जायज़ है। तो कुल मिला के हम वो लिबर लिबर वाले गुड्डू पंडित नहीं रहे।
सही है। अब हमको पता चल गया है कि ये ऐसी जानदार चीज है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। सिस्टम हिल जाता, पता चलता है कि क्या करने का। हाँ, क्या करने का। पहला मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ भी आया ले लिया, अप्रूवल ले लिया, कर दिया, अप्रूवल ले लिया, कर दिया, ऐसा ही जा रहा है। अभी नाउ वी आर नेगोशिएटिंग कि भाई टाइम कितना बच रहा है, इंस्टेड की कोई और हायर प्रायोरिटी नेगोशिएट करके हमारे पास भेजें, नाउ वी आर नेगोशिएटिंग कि टाइम कितना बच रहा है सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली टेक द प्रोजेक्ट एंड सेव द रिसोर्सेज एंड मनी फॉर द कंपनी एंड द मैन आवर्स एंड पॉस। सो ये तो आज के दिन का था। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, चल ही रहा है, जॉब कर रहे हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं, वी आर डूइंग। जॉब से बात याद आई, आपकी पहली जॉब कौन सी थी? जो वो MIS वाली नहीं, उससे पहले कुछ मतलब स्टार्टअप जैसा कुछ किया था आपने कहीं पे? जॉब का मतलब जहाँ मैंने पैसे कमाए हो पहली बार। हाँ, पहली बार। अच्छा, देखिए लास्ट व्लॉग में हमने बात की थी, अभी नील ने सवाल कर लिया कि भाई आपका पहला काम क्या था जहाँ पे आपने पैसे कमाए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं गोरखपुर में था तो मैंने तीन रिक्शा चला के, तीन सवारी को उठा के, और जो रिक्शा था साइकिल वाला उससे चला के 35 रुपीज़ कमाए थे फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर मैं ऐसे जॉब की बात करूँ जहाँ पे 9 to 5 का वर्किंग आवर होता है या 9 घंटे हमको एक प्रीमाइसिस में देने पड़ते हैं, तो वो एक नील बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अभी आपने छेड़ दिया है तो ये भी सुन लीजिए। हुआ क्या था कि कॉलेज की छुट्टियां थी हमारी, और उस कॉलेज की छुट्टियों में हमने, हमारे कॉलोनी के कुछ लड़के थे, तो हमने ठाना कि भाई हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि कुछ मतलब अर्निंग हो, एटलीस्ट पॉकेट मनी निकल जाए। तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अंडे से बाहर आ चुके थे, अपनी जिम्मेदारियां समझ चुके थे, पंख पसारने लगे थे। तो हम लोग 4-5 लोग गए, कहाँ गए, दिल्ली में एक जगह है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे इधर GIDC वगैरह होता है तो वैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज होती है। तो हम लोग गए जॉब मांगने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो बाहर बोर्ड लगा देते हैं, हेल्पर चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। अभी हम लोग कॉलेज में थे, एक एक साल पढ़े थे हार्डली, तो कोई ऐसा प्रोफेशनल डिग्री या कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो हमको था नहीं। कंप्यूटर भी हार्डली चला आता था, कंप्यूटर ही मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही जाके सीखा, थोड़ा बहुत आता था विनैम चलाना, बट एक्चुअल वर्क के लिए जो यूज़ करें एक्सेल PPT वगैरह वो बाद में सीखा। तो हम लोग ओखला इंडस्ट्रियल एरिया निकले और देखने लगे भाई किसी कंपनी पे बोर्ड लगाओ, हेल्पर चाहिए और समथिंग। तो थोड़ा सा चलने के बाद मेरे ख्याल में जून जुलाई का ही महीना था, मई जून का महीना था, दिल्ली बहुत गर्मी पड़ती है, तो एक ढाबा था, वो जैसे रेस्टोरेंट होते ना वैसे एक ढाबा टाइप का था वहाँ पे। तो वहाँ पे लिखा था कि हेल्पर चाहिए, ढाबे पे। हाँ, ढाबे पे लिखा था हेल्पर चाहिए, जो खाना वाना परोस सके, डिलीवरी कर सके। तो हम गए 5 लोग वहाँ पे, तो उसने 2 लोगों को रख लिया, एक मेरे को रख लिया और एक मेरा एक और दोस्त था, अभी मेरे ख्याल से वो CISF में इंस्पेक्टर है, वो अमित झा नाम था उसका। तो हम दोनों को रख लिया। तो उसमें डील ये था कि 50 रुपये आपको मिलेगा पर डे का काम करने का, और टाइमिंग रहेगी आपकी सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। 10 से 12? हाँ सर, 10 से 12 ढाबे में ऐसा टाइम ही होता है। और ब्रेक? ब्रेक जैसा कुछ नहीं, वो लंच खा एक टाइम, 2 टाइम का खाना मिलेगा और 2 टाइम की चाय मिलेगी। तो ये वहाँ पे क्राइटेरिया था। तो लग तो गया मैं वहाँ पे पहले दिन, तो जब हम लग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर आया, भाई ऑर्डर आप डिलीवर करो। तो मैं गया ओखला में, वो डिलीवरी थी, तो वहाँ पे एक एक्सपोर्ट कंपनी थी और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था पीयून चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं घुस गया कंपनी में, मैंने कहा भाई मुझे ये पीयून का मैंने बोर्ड देखा है और मैं पीयून के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। छोटे से थे हम, क्या 19-20 साल की एज रही होगी समथिंग, या 21 साल की या 22 एग्जैक्टली, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, बड़े भोले से ही दिखते थे हम लोग। तो उसने देखा कि ऊपर से लेके नीचे तक, यार ये कहीं मतलब माइनर तो नहीं है कि मतलब 18 साल से कम का और हमारे ऊपर पनिशमेंट लग जाए, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं माइनर नहीं हूँ, कॉलेज जाता हूँ। तो फिर वहाँ पे उसने मुझे आगे भेजा, एक वहाँ पे एक पर्सनल मैनेजर होते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट संभालते हैं कंपनी में, तो एक मैनेजर, तो उसने मेरा बुलाया, मुझे बोला भाई आज से पहले कहीं काम किया? मैंने कहा नहीं जी, आज ही काम शायद चालू किया एक रेस्टोरेंट में। तो बोला कि आज ही हाइक लेना चाहते हो?
मैंने कहा जी उस काम से तो बेहतर ही होगा। अब वहाँ क्या था, रेस्टोरेंट में गर्मी बहुत थी, मतलब मैं जितनी भी देर वहाँ काम किया कम से कम कंपनी में एसी तो मिलता है वहाँ पे, मतलब ओपन ही होता है। हाँ, तो एसी के चक्कर में शायद कुछ अच्छा पैसा भी मिल जाए, इस चक्कर में भी मैं मतलब उनके पास अप्रोच किया। तो भाई गए, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में क्या उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि आपने आज से पहले कॉफ़ी बनाई है, तो सच बताऊँ लिटरली अगर वो मेरे ओनर देख रहे हो तो मुझे माफ़ कर दें, मैंने उससे पहले कभी चाय भी नहीं बनाई थी और कॉफ़ी तो मैंने शायद पहले कभी पी भी नहीं थी। तो बोला और मैंने बोला हाँ मैंने बनाया है, फुल्ली कॉन्फिडेंट, पूरे कॉन्फिडेंस से हाँ बोला, झूठ बोला, कॉन्फिडेंस से बोला। उन्होंने कहा ठीक है ओके चलो टेस्ट दो। तो ले गए वो वहाँ के जो पेंट्री था वहाँ का, तो पेंट्री में बोला कि आप एक कॉफ़ी बनाइए, मैडम ब्लैक कॉफ़ी पीती है। तो मैंने वो फिल्मों में देखा था जो हम एंटीना घुमा घुमा के जो GTV VTV ले आते थे उसी में मैंने देखा था कि वो ऐसा पूछते थे कि मैडम या सर ये शक्कर कितनी लेंगे, कॉफ़ी हार्ड रहेगी या सॉफ्ट रहेगी टाइप। तो मैंने भी अप्रोच किया कि जी देखिए कई बार कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा काम कर जाता है और कॉमन सेंस सर कॉमन आदमी के पास होता है, तो मैंने सराउंडिंग में मिल जाता है, थोड़ा सा आँख का नाक खुलने की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा मैडम शक्कर कितनी लेंगी, तो शी सेड कि शुगर नहीं चाहिए। जो ओनर थी वहाँ पे एक जेंट्स ओनर थे, उनकी वाइफ थी, तो उनका शुगर नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाना। सो स्ट्रॉन्ग आई गेस कि मैंने कहा कि एक कप अगर पानी लूँ तो उसमें शायद एक चम्मच कॉफ़ी डाली होगी, वो बड़े बड़े मोटे मोटे बीन्स थे कॉफ़ी के, तो मैंने डाल के घोल घाल के और उसको मतलब बना के दे दिया। एंड शी सेड ओके इट्स गुड कॉफ़ी, वो मेरी लाइफ की पहली कॉफ़ी थी और मैं मेरे को उसमें एक्सीलेंट मिला था। सो आई वॉज सेलेक्टेड, और जहाँ तक मुझे याद है दिल्ली का पे स्केल उन दिनों 2734 रुपये हुआ करता था, 2734, एंड आई वॉज हायर्ड। वहाँ मैंने 3 महीने एज अ पीयून काम किया था, तो वो मेरी लाइफ का अगर मैं एज अ जॉब कहूँ तो वो मेरा पहला जॉब था जहाँ पे मेरे पास बहुत पावर थी, मेरे बिना कोई खाना नहीं खा सकता था क्योंकि सबका खाना मैं ही गर्म करता था। ईयर कौन सा ईयर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं यार, पर समय 2004 से 2006 के बीच का साल होगा। अब उन्होंने कोई ऐसा रिलीविंग लेटर नहीं दिया मेरे को। एक्चुअली नहीं, वो मेरे को ले जाना चाहते थे। 3 महीने काम करने के बाद काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी मेरी वहाँ के ओनर के साथ, बिकॉज आई वॉज हार्ड वर्किंग। अब मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं क्या करूँ। मैं वहाँ पे लोगों का खाना गर्म करके देता था, खाने के टेबल वो प्लेट्स वगैरह लगाता था और चाय बना के देता था। चाय की अथॉरिटी मेरे पास थी, और किसी भी इस तरह की कंपनी में जहाँ पे चाय आप बनाते और कंपनी चाय प्रोवाइड करती है, चाय वाले के हाथ में बहुत ताकत होती है। इवन वी नो इन आर कंट्री की चाय वाले के हाथ में बहुत पावर है। देखिए जो भी चाय के धंधे में आया उसके पास पावर तो है, अब मेरे को ले लीजिए चाहे मोदी जी को ले लीजिए। तो जैसे ही वहाँ पे ना चाय का भी सिस्टम था, सवेरे एक 11 बजे की चाय होती थी और एक शाम को 4 बजे की चाय होती थी, और लिटरली लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगते थे, अरे सर चाय कब पिला रहे हैं, अरे सर चाय कब पिला रहे हैं। मैं छोटा सा बच्चा और वो इतने बड़े बड़े लोग, सर चाय कब पिला रहे हैं, चाय कब पिला रहे हैं। हाँ सर बनाता हूँ चाय। और कई लोग तो ऐसा कहते थे कि सर मेरी चाय में थोड़ा दूध ज़्यादा डाल देना, मैं आपको 10 रुपये दे देता हूँ, मतलब 10 रुपये देता हूँ फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए आप मेरे चाय में दूध ज़्यादा डालना। किसी का डिमांड था कि शुगर ज़्यादा डाल देना, तो ऐसा मैं रिश्वत भी लेने लगा था वहाँ पे। रिश्वत सॉरी। तो ऐसा था वहाँ पे, मतलब 3 महीने मेरी वहाँ पे जॉब चली थी। उसके बाद तो कंपनी गुड़गांव में शिफ्ट हो गई, तो मेरे भी कॉलेज का जो वोकेशन था वो ओवर हो गया और मुझे वापस जाना था, तो फिर मैंने फिर वो कंपनी छोड़ी। तो एज ए जॉब वो मेरी पहली कंपनी थी जहाँ पे बहुत मजा आया, काफ़ी सीखने को भी मिला, और वो मतलब उसकी वजह से मैं आज भी एटीट्यूड कैरी करता हूँ कि अगर मैं किसी भी प्यून या फिर जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं डस्टिंग वगैरह भी किया करता था, बस पूछा नहीं मारता था, डस्टिंग करता था मैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से एक अच्छा मेरे को ये संस्कार मिल गया कि हर किसी की, हर व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए। वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, इट डिपेंड्स कि वो इंडियन मेंटालिटी में आ गया है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लाइफ में मतलब झुक के रहने का बड़ा मौका मिला, जिसके मुझे फ़ायदे मिले। अब आपने जॉब की बात की, तो ये मेरी पहली जॉब थी एक्चुअल जिसमें मैंने 3 महीने काम किया। अभी कहीं मैं रिज्यूमे वगैरह पे शो नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी ये प्रोफाइल में कहाँ ही शो करूँ, और वैसे भी ड्यूरिंग द कॉलेज अगर कुछ आप करते हैं तो आप शो नहीं करते हैं,
बस हाँ, लेकिन ये मेरी पहली जॉब थी, मज़ा आया था उसमें। और मेरे दोस्तों का, हाँ मेरे दोस्तों वाली स्टोरी रह गई, तो कोई उस रेस्टोरेंट में दो दिन काम किया, किसी को एक शाम को जब हम मिले तो मेरे को तो नौकरी मिल गई थी और अगले दिन से ज्वाइनिंग थी मेरी, तो उसी रेस्टोरेंट पे जाके मैंने तुरंत रिजाइन मारा वर्बल ज्वाइनिंग भी थी, वर्बल रिजाइन मारा कि मैं कल से नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई गॉट सम हाइक, बिकॉज आई गॉट सम हाइक, सो हाँ ज्यादा था, तो वहाँ 50 रुपये पर डे था और दो टाइम का खाना था यहाँ पे 2700-2400 रुपये प्लस ओवर टाइम भी मिलता था मेरे को यहाँ पे, एंड इवन ओवर टाइम वॉज कैलकुलेटेड ऑन मिनट टू मिनट बेसिस, लाइक इफ आई वर्क 10 मिनट्स एक्स्ट्रा तो 10 मिनट का मेरे को ओवर टाइम मिलेगा, इफ आई वर्क 30 मिनट्स एक्स्ट्रा तो 30 मिनट का ओवर टाइम मिलेगा। तो नई कुछ तो अगर मैं बताऊँ इन तीनों महीनों में, तो अदर देन सैलरी मैंने कम से कम हर महीने 1000 रुपये का तो ओवर टाइम लिया था, हाँ मतलब 1000 बार सुना। हाँ नहीं, वहाँ काउंट करते थे, वहाँ पे पंचिंग इन आउट का सिस्टम था, वहाँ पे ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता था कि प्रोजेक्ट है सपोर्ट देना है ये वो वहाँ पे डॉट कोने में बैठे रहो, हाँ कोने में चुपचाप बैठे रहो, पढ़े रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो, वहाँ पे डॉट 9 बजे लोग आ जाते थे, डॉट 5 बजे ऑफिस छोड़ के चले जाते थे, इवन 4:45 से वो अपना मतलब पैकिंग करना चालू कर देते थे। सो एक्सपोर्ट कंपनीज में तो ऐसा ही होता है, वो जो एक्चुअल जो स्टाफ होता है ना उनको मजा रहता है, लेकिन जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनके लिए समस्या रहती है। तो इस तरह से मतलब मैंने वहाँ 3 महीने मज़े किए, हर महीने 1000 रुपये का मैंने वो उठाया। हाँ दोस्तों में से याद आया कि एक दोस्त का तो वो रेस्टोरेंट में उसने कुछ दिन काम किया, दूसरे दोस्त को, बाकी 3 दोस्तों को लकड़ी ढोने का काम मिला, जो लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर थे उनके कंधे टूट गए उस दिन, वो उस दिन ब्रूफेन खा आइब्रूफेन खा के सोए बदन दर्द मिटाने के लिए, उसके बाद कभी काम पे नहीं गए। बट मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया वहाँ 3 महीनों में, स्ट्रगल मैं तो स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, नहीं मैं तो इन्जॉय बोलूँगा, स्ट्रगल तो मैं तब बोलूँगा, एक्चुअली स्ट्रगल लाइफ ने ऐसा सिखाया कि स्ट्रगल तब है जब आपको 2 टाइम की रोटी भी ना मिल रही, दैट इज स्ट्रगल। अदरवाइज तो अगर रोटी मिल रही है, पेट भरा हुआ है और आपके शरीर पे कपड़े, तो फिर मैं समझता हूँ कुछ स्ट्रगल है ही नहीं लाइफ। अभी मैं कहूँ कि मेरे को हवाई जहाज नहीं मिल रहा है, मुझे कार नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट अ स्ट्रगल। मेरे को एसी में बैठ के काम करने का, दैट इज नॉट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल इज, हाँ दैट इज यू वी कैन से लग्जरी, दिस इज ऑल कॉन्ड इन लग्जरी, तो मैं उसको लग्जरी बोलूँगा। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मैं तो मतलब लकीली या अनलकीली मैं, मेरी सोच इतनी बेसिक तक से है तो ऐसा है। तो ये मेरी पहली जॉब थी, सही है एक्सपीरियंस, रिक्शा चलाना, उसके बाद अपग्रेड करके प्यून की नौकरी, उसके बाद एक और इसके बाद नौकरी की थी मैंने नेक्स्ट ईयर के छुट्टियों में, उसकी बात हम कभी और करेंगे, वो भी एक एक्सपीरियंस था। बेकरी में मैंने 7 महीना जॉब किया था, बेकरी प्लस कन्फेक्शन, कल रखते हैं, कल, हाँ वो कल के लिए रखते हैं, उसको अभी नहीं छेड़ेंगे, मैं समझ रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और हमें कुछ और भी प्रोजेक्ट्स निपटाने। तो ठीक है दोस्तों, ये जर्नी थी हमारी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, लर्निंग ऑफ द डे इज ये कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर काम को पूरी शिद्दत से करना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहिए और आगे तो आप जरूर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जी के साथ साइन ऑफ करते हैं आज के लिए, थैंक यू।